diversifying to MMLA, I'm an Anjan Manshar last story. इस स्टोरी का नाम रिवेंज मैरिज है. आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ. ये ही इस स्टोरी के हीरो. इनका नेचर ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, रूड है एंड फ्लर्टी है. ये जो एक बार ठान लेते हैं और जो बोल देते हैं वो करके ही देते हैं. फिर उसके लिए चाहे इन्हें किसी भी हद तक जानी पड़े. ये यूएस में रहते हैं, ये यूएस से कोरिया आएंगे. ये इस स्टोरी की हीरोइन जो की बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड है. ये कोरिया ही में रहती है. इनका नेचर ये बहुत काइंड एंड स्वीट है. ये है ते नामजून की छोटी बहन जो कि कोरिया में रहती है. की शादी जंगकुक के साथ होने वाली है. और जिमिन है जिनकी छोटी बहन जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है मगर जिन ने अभी तक शादी नहीं की थी. ये है नैंसी जिन और जिमिन की मॉम. ये जिमिन की तो सगी मॉम है मगर जिन की सौतेली मॉम है और जिन से बहुत नफरत करती है. इसीलिए जिमिन की शादी अभी हो गई है मगर ये जिन पर ध्यान नहीं दे रही थी इसीलिए उसकी शादी अभी नहीं हुई है. सो आई होप अब आपको सबको समझ में आ गया होगा. अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बेटा तुम तो जानती हो कि 1 वीक के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें जिसको भी इनवाइट करना हो इनवाइट कर लो क्योंकि बाद में बेटा तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा इसीलिए मैं कह रहा हूँ. यस डैड, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसे इनवाइट किया है मगर उसकी जो मॉम है उसकी स्टेप मॉम है तो वो कह रही थी कि वो उसे नहीं आने देंगी. अगर मैं उसे बुलाने जाऊंगी तो शायद उसे आने दे. इसीलिए क्या डैड मैं उसे बुलाने जा सकती हूँ? अगर वो नहीं आई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा डैड बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. ये सब कॉर्स बेटा ये भी कोई कहने वाली बात है. तुम जरूर जाओ और आज ही चली जाओ और उसे ले आओ. आज ही से वो हमारे घर में रहेगी जब तक की शादी नहीं हो जाती. ओ थैंक यू सो मच डैड, मैं अभी जाती हूँ. इतना बोलकर ते वहाँ से चली जाती है. आयु उसे रोकती है मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती. देखा है अब इसकी शादी होने वाली और ये दुल्हन है और ये घर से बाहर निकल रही है. अभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि शादी नहीं हो जाती. तुम भी ना ये कितने पुराने ख्याल वाली हो. अब मॉडर्न जमाना आ गया है. अब इसे छोड़ भी दो. आपकी वजह से बिगड़ी है वो. आपका बेटा भी बिगड़ा और आपकी बेटी भी बिगड़ी. अरे हाँ आज तो आलिम आने वाला था ना, ये उससे क्यों नहीं आया? हाँ उसने कॉल किया था, वो शाम तक यहाँ आ जाएगा. ओके वैसे 5 साल बाद हमारा बेटा वापस आ रहा है, हमें कितनी खुशी हो रही है ना. हाँ उसकी बहन की शादी है तो अपनी बहन की शादी में तो आएगा ही ना. वैसे तो आता नहीं है, अपनी बहन की शादी में ही आ जाए. तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो हमसे भी बहुत प्यार करता है, वो हमसे मिलने के लिए बहुत परेशान होगा. तो मैं और क्या बोलूँ, मैं उसे कितना मिलना चाहती थी, मैंने उसे कितनी बार कहा आने को मगर वो आता ही नहीं था. आखिर आ जाएगा, वो भी उसकी बहन की शादी है ना इसीलिए, वरना वो आज भी नहीं आता, वो हमसे प्यार ही नहीं करता. नहीं भाई तुम गलत सोच रही, वो हमसे बहुत प्यार करता है, जरा देख लेना. ते नैंसी को मनाकर जिन को अपने घर ले आती है. आर्मी ते और जिन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है. मॉम डैड मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई, इनसे मिली है जिन मेरी बेस्ट फ्रेंड. काला जादू कर दिया तेरी अख सोनी, पूरा लंदन हिलता हिले जो तेरा लक सोनी. ओ मुंडियानु मारेंगी ना एवे हस सोनिए, केड़ा पिंड शहर तेरा तू मैनू दस सोनी. हेलो अंकल, हेलो आंटी, माय नेम इज जिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा. तो तुम होते की बेस्ट फ्रेंड, तुम तो बेटा बहुत प्यारी हो. थैंक यू सो मच अंकल, आप भी बहुत हैंडसम हो. ते बेटा जाओ जिन को उसका रूम दिखा दो. ये सब कॉस्ट डेड, चलो जिन. ते जिन का हाथ पकड़कर एक रूम में ले जाती है और उस रूम में बैठ कर दोनों बात कर रहे थे. ते तुम्हारी फैमिली तो बहुत स्वीट है. थैंक यू सो मच, तुमने सही कहा, मेरी फैमिली बहुत स्वीट है मगर मेरे भैया वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, वो बहुत ही रूड है. एंड हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे भैया ना थोड़े फ्लर्टी हैं तो उनसे बचकर रहना. ओके कैसी बातें कर रहे हो, अपने भाई के बारे में फिलहाल कोई ऐसे कहता है? तुम कैसी बातें करती हो? अरे यार मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ. मैं इसलिए बता रही हूँ तुझे ताकि तू उनसे बच कर. वो मेरे भाई है ना इसलिए मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ. बस जितना मैंने कहा है तो उतना ही करना, तो उससे बचकर रहना. और वो आज ही घर आ रहे हैं, सो बी केयरफुल. ओके 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 ठीक है. अच्छा ये सब छोड़, तूने मुझे कहा था ना कि तू मुझे अपना घर दिखाएगी, तो नहीं दिखाएगी क्या? अरे हाँ मुझे याद है, चल दिखाती हूँ मैं तुझे. फिर ते जिनको अपना सारा घर दिखाती है और दोनों एंजॉय करते हैं. ऐसे ही शाम हो जाती है और नामजून घर आ जाता है. ओह लगता है भैया आ गए हैं, चल देखते हैं. फिर सभी लिविंग रूम में आ जाते हैं, वहाँ पर नामजून की एंट्री होती है. भाई आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए, आई मिस यू सो मच भाई. मैंने भी तुम्हें
तुम्हें बहुत मिस किया। तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई हो। थैंक यू सो मच भाई। नामजिन आयो के पास जाता है जो गुस्से में खड़ी होती है। डैड मॉम कहाँ है? मुझे तो मॉम दिख ही नहीं रही। मॉम उसे नाराज है क्या? वो क्यों नहीं आई? हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि तुम उनसे मिलने आते नहीं थे, इसलिए तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है वो। ओह ऐसी बात है। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी स्टडी नहीं खत्म हुई थी, इसलिए मैं बीच में नहीं आता था। मैंने सोचा था कि एक बार सारी स्टडी खत्म हो जाए उसके बाद मैं आप ही के साथ रहूंगा, इसीलिए। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मगर तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती होगी। उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ मॉम, प्लीज मॉम मुझे माफ कर दीजिए। अब तो मैं यही रहूंगा ना, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। ओके, मैंने तुझे माफ किया, मगर अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू मेरे साथ ही रहेगा। ऑफ कोर्स मॉम, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई लव यू मॉम, आई लव यू टू बेटा। तूने तो कहा तेरे भाई बहुत फ्लर्टी है, उनसे बच के रहना, मगर वो तो बहुत अच्छे हैं। तुम अभी उन्हें नहीं जानती हो, भले ही वो फ्लर्टी है मगर अपनी फैमिली से तो प्यार करती है ना। ओ हाँ, तूने सही कहा, अपनी फैमिली से तो सब लोग प्यार करते हैं। ठीक है बेटा, भैया को जाकर उनका रूम दिखा लो। ओके मॉम, चलिए भैया। फिर आर्यन जिम को देखता है जो टे के बगल में खड़ी हुई थी। इतनी देर से उसने नोटिस नहीं किया था, अब उसने देखा था तो वो उसे देखता आ जाता है। तुम दोनों ने मेरे
मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा बोल अभी कैसे? बाय द वे वो बहुत अच्छा डांस करती है, बस कर नहीं रही है। ओ कम ऑन बे, अब उसकी तारीफ करना बंद भी करो, उसे कुछ नहीं आता। ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी कजन सिस्टर है, लिसा एंड जेनी। एंड लिसा जेनी, तुम दोनों इससे माफी मांगो। नहीं तेरे रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मेरे लिए तुम अपनी बहनों से मत लड़ो। बहन है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेगी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुन सकती। ते तुमने इस गाँव वाले से फ्रेंडशिप क्यों की? यहाँ पर कितनी अच्छी फ्रेंड्स है, तुम्हें यही मिली थी फ्रेंडशिप करने के लिए। एंड हाँ, मैं इसे सॉरी नहीं बोलने वाली, जब तक नहीं बोलूंगी जब तक ये डांस करके नहीं दिखा देती। अब फिर मैं भी तो देखूँ कैसे डांस करती है। तुमने अभी इसका डांस देखा नहीं है, तुमसे बहुत अच्छा करती है। ओ रियली दे, हम लोगों से अच्छा कर लेती है, तो फिर कर क्यों नहीं रही है? ओ तुम्हें ऐसे इस पर ट्रस्ट नहीं होगा ना जिन? चलो अब डांस करके दिखाओ, इन्हें भी दिखा दो कि तुम कैसा डांस करती हो। नहीं नहीं दे, मैं ज्यादा अच्छा डांस नहीं कर पाती हूँ, सब हंसेंगे, प्लीज दे मैं नहीं कर पाऊंगी। ओ कम ऑन जिन, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, एक बार करके तो दिखाओ, तभी नहीं पता चलेगा। नहीं नहीं दे, मैं नहीं कर पाऊंगी, यहाँ बहुत लोग हैं, मैं सबके सामने नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। देखा थे, इसे कहते हैं असली पट्टू, जो डांस करने से पहले इतना डर जाए वो डांस कैसे कर पाएगी। हाँ जी, देखो मेरे लिए करना होगा तुम्हें, अगर तुम नहीं करोगी ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुमसे। क्या प्लीज यार, तुम मुझसे गुस्सा मत होना, तू ही तो एक मेरी लड़की फ्रेंड है। ओके मैं डांस करूंगी, ये हुई ना बात, चलो। ओके चलो, इतना बोल करते जिन का हाथ पकड़ कर स्टेज पर ले जाती है और म्यूजिक प्ले कर देती है। फंक्शन में मौजूद हर लोग जिन को देखने लगते हैं। ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू सो मच। फिर जिन डांस करना स्टार्ट करती है, जैसे ही वो डांस करने लगते हैं फंक्शन में मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। आदम तो बस उसे घूर ही जा रहा था। इतना हसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आंखों से तूने सब कह दिया, ये क्या हुआ? तू है मेरा होता है। एंड हाँ, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, तो प्लीज मुझे दूर रहिएगा।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इतना सब कुछ के लिए, तुम हो ही कौन? तुम्हारी औकात है कि तुम्हारे जैसी दो टके की लड़की अब पैसों पर बिक जाती है? तो अपना एटीट्यूड अपने पास रखो। और क्या पता तुम मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रही हो और अंदर से तुम वैसे ही हो। बड़ी आई अपनी इज्जत की परवाह करने वाली। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुझे ऐसा बोलने की? आप सिर्फ बदतमीज नहीं, आप नहायत ही घटिया इंसान है। अब मैं आपके घर में एक पल और नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर जिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आलम को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जिन का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। देखो को कांग्रेस कहते हैं, उसके बाद नामजून आता है स्टेज पर और कुछ कहने लगता है। हेलो गाइस, आज इस खुशी के मौके पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं आज आप सबको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। क्या भाई की गर्लफ्रेंड? इंटरेस्टिंग, भाई ने मुझे बताया नहीं। और वो इसी पार्टी में? कौन है वो? फिर आर्यन स्टेज से उतरता है और जिन का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आता है। तो गाइस, मीट माय गर्लफ्रेंड जिन। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिन भाई की गर्लफ्रेंड? क्यों, तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है और तुम्हें नहीं पता है? नहीं जंगू, मुझे नहीं पता है और ये मेरी फ्रेंड है। हो सकता है वो सबको सरप्राइज देना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। हाँ हो भी सकता है। जिन, तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि मैं सबके सामने अपना लव कन्फेस करूँ। देखो मैंने कर दिया।
जिस घर में रहती है उसी घर के मालिक को भी फंसा लिया। जिन काफी लंबा हाथ मारा है तुमने, ऐसी लड़कियों को मैं खूब जानती हूँ। अमीर लड़का देखती नहीं कि उसे फंसा देती है। और इसे देखो, जब सबके सामने ऐसा कर सकते हैं तो अकेले में पता नहीं क्या क्या करते होंगे। ये बात जिन सुन लेती है और उसे बहुत हर्ट फील होता है, और ये बात आर्यन भी सुन लेता है। ये आप क्या कह रही है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब रहने दो बेटा, ये झूठे आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसे होती हैं। जस्ट शट अप आंटी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? मॉम, आप कहां से लाती हैं ऐसी आंटियां? देखिए, आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मगर आपको कोई भी हक नहीं बनता किसी के बारे में ऐसा कहने का। देखो बेटा, जो सच है तुम नहीं बदल सकती, और तुम अपने बेटे को ऐसी लड़कियों से बचा कर रखो। आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना होगा, और आप हमारी गेस्ट हैं, प्लीज यहाँ से चली जाइए। हाँ हाँ, यहाँ रुकना भी कौन चाहता होगा, तुम्हारा बेटा कितना बदतमीज है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बुरा कहने की, प्लीज यहाँ से चली जाइए आप। हाँ हाँ, जा रही हूँ। फिर वो लेडी चली जाती है। इसी पार्टी में काय भी था, जिसके साथ जिन के साथ लगी थी। एक्चुअली हमें सुबह और जिमी इंजन के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, और उन्हें काय मिला था, इसीलिए उन्होंने जिन की शादी काय के साथ तय करी थी। बिकॉज जिमी अपने मॉम का नेचर जानती थी, वो जानती थी कि वो कभी भी जिन पर ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए वही कर रही थी। जिमी और शुगा ने काय से आज ही बात की थी, इसीलिए काय ने अभी तक जिन को नहीं देखा था। अचानक से जिमी काय के फोन पर अपनी दीदी की फोटो भेजती है, और वो फोटो देखकर काय शॉक हो जाता है। क्या? ये है वो लड़की? पर ये तो आर्यन की गर्लफ्रेंड है। तभी काय गुस्से में जिन के पास जाता है और जोर जोर से कहने लगता है, वाओ, आपने जिन है ना, जिन की शादी मुझसे तय की है और आपकी बहन है, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी। और वैसे भी मुझे सेकंड हैंड चीजें नहीं पसंद, तो मैं आपसे शादी नहीं करने वाला। कि बहन ने तो कहा था कि आप बहुत सीधी है, मगर आप इतनी गिरी हुई है मुझे पता नहीं था। कैरेक्टरलेस गर्ल। Hey you, just shut up. तुम उसके बारे में क्या बोल रहे हो? तुम निकलो यहाँ से। हाँ आनंद, तुम तो कहोगे ना, क्योंकि तुमने इसको अपनी गर्लफ्रेंड जो बनाया। और जैसा कि सभी जानते हैं कि तुम कितने फ्लर्टी हो, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड कहाँ, तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो। पर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? हाँ मिस जिन, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कैरेक्टरलेस हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और मैं क्या, कोई भी आपसे शादी नहीं करना चाहता। ना बोलकर काय गुस्से में वहाँ से चला आता है, और काय शुगा और जिमिन को फोन करके सारी बात बता देता है, और कहता है कि मैं उसे शादी नहीं करूंगा। कुछ देर में नैन्सी और योनमिन डे के घर आ जाते हैं, जो अपने सारे गेस्ट को विदा कर दिया था। अब पार्टी में कोई नहीं था, बस फैमिली मेंबर्स थे। दी, आप ठीक है ना? फिर जिन दौड़ते हुए जाती है और जिमिन को हग करके रोने लगती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं दी, आप मत रो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप मत रो। फिर नैन्सी वहाँ आती है और जिन को एक थप्पड़ मारती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, तुमने मेरी बेटी को शर्मिंदा कर दिया। तो वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए परेशान रहती है, उसने इतनी मुश्किल से तुम्हारी शादी लगाई, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उल्टा और उसे शर्मिंदा कर दिया। सॉरी मॉम, आई एम सॉरी, पर इससे मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो बस यहाँ शादी अटेंड करने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना सब हो जाएगा। आई एम सॉरी मॉम। जस्ट शट अप, अब ये फालतू के सॉरी बोलना बंद करो, और ये फालतू के आंसू बहाना बंद करो, मैं तुम्हारी नौटंकी नहीं देखती। बस करो मॉम, दीदी ऑलरेडी रो रही है और आप उन्हें और रुला रही हो। एंड दीदी प्लीज, आप रो मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब मैं और इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। ये क्या कह रही है मॉम? बस बहुत हुआ, आप बहुत बोल रही हो। मैं तुम इस लड़की के लिए अपने मॉम से लड़ रही हो? तो मैं और क्या कहूँ, आप कैसे बातें कर रही हैं? आप दीदी को अपने घर क्यों नहीं ले जाएंगी? मैं इस कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर में ले जाकर अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इससे कोई शादी करेगा, और मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। बस मॉम, अगर आप नहीं ले जाएंगी तो मैं दीदी को ले जाऊंगी, दीदी मेरे साथ रहेंगी। नहीं बेटा, तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मॉम जिमिन सही कह रही, आज से दीदी हमारे साथ रहेंगी। नहीं जिमिन, नहीं शुगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती। नहीं दीदी, आप हमारे साथ चल रही हो तो चल रही हो। नहीं जिमिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहती, तुम चाहे जितना कहोगे मैं नहीं जाऊंगी। जिमिन प्लीज, तुम अपनी लाइफ में खुश हो और खुश रहो, कैसे भी कर मैनेज कर लूंगी, मगर मैं तुम्हारी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती, प्लीज जिमिन मान जाओ। भाई आपने क्या किया, आपने मेरी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो बेचारी मेरी शादी अटेंड करने आई थी, मगर आपने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम थी, और आपने उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। मॉम डैड, अब आप ही कुछ करिए, मैं अपनी फ्रेंड को रोते हुए नहीं देख सकती। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, आर्यन तुमने ऐसा क्यों किया, अब इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है। बेटा जिन, तुम मेरे बेटे आर्यन से शादी कर लो। क्यों बेटा आर्यन, तुम शादी करोगे ना जिनसे? यस ऑफ कोर्स मॉम, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, पर आप जिनसे पूछ लीजिए। बेटा तुम बताओ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? देखो जिन, तुम्हारे लिए भला यही है कि तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि अगर हाँ नहीं करोगी तो फालतू में हमारी बदनामी, और अगर तुमने ये शादी नहीं की ना तो जिंदगी भर मेरी बेटी को तुम्हारी टेंशन लगी रहेगी, और वो अपनी लाइफ जी नहीं पाएगी। ये आप क्या कह रही है मॉम, आपको टेंशन रहती होगी दीदी की, मुझे नहीं, वो मेरी दीदी। हाँ दीदी, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, अगर आपको ये शादी करनी है तभी करना, फोर्स मैरिज मत करना, वरना आप खुश कभी नहीं रहेंगी।
अब मैं क्या करूं? अगर मैंने शादी के लिए मना किया तो जिमिन को हमेशा मेरी टेंशन लगी रहेगी। मुझे शादी के लिए हाँ करनी चाहिए। बोलो बेटा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। हाँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ओके बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, हम ये शादी अभी करेंगे। जिमिन, तुम अपनी बहन को ले जाओ और रेडी कर लो, फिर हम शादी यहीं करेंगे। ओके आंटी, चलो दीदी। फिर जिमिन जिन को एक रूम में ले जाती है और कुछ देर बाद वो रेडी करके जिन को ले आती है। फिर नामजिन की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां, पास रह कर भी कोई नहीं है। और सभी उसे कांग्रेस कहते हैं। ओके मॉम डैड, अब हमें निकलना होगा। वो क्या है ना कि रात बहुत हो गई है। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी चाहती थी और ये सब हो गया। आई एम रियली सॉरी। हे डैड, आप सॉरी क्यों बोले? और वैसे भी तो फैमिली प्रॉब्लम्स थी ना, और मैं भी तो फैमिली मेंबर हूँ ना, मुझे बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया। अब हमें चलना चाहिए। चलो। हाँ, बाय मॉम, बाय डैड, बाय भाभी, बाय भैया। एंड हाँ जिन, आपसे तुम मेरी भाभी हो तो प्लीज अब खुश रहना। हाँ ते, तुम भी अपना ध्यान रखना, तुम्हारी भी न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई है। हाँ ओके, बाय एवरीवन। फिर सभी टेकुक को बाय कहते हैं और टेकुक भी सभी को बाय करते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। ओके दी, अब हम भी चलते हैं। अब अपना ख्याल रखना। ओके बाय। ओके बाय। उसके बाद योजमिन भी वहाँ से चले जाते हैं। बेटा जाओ, अब तुम दोनों भी आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। हाँ ठीक है। नामजिन भी अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही जिन अंदर जाते हैं और आरएम अंदर आता है, वैसे ही वो अंदर से डोर लॉक कर लेता है। अब यही रह गया, अब ये भी आप कर लीजिए। मेरी पूरी जिंदगी तो अपने बर्बाद कर। मुझे नहीं पता कि आप उस छोटी से शर्त के लिए इस हद तक चले जाएंगे। आपने सिर्फ अपनी जिद की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी ये जिद नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये प्यार नहीं, ये जिद है। बस आपने अपनी जिद पूरी की है। पता नहीं लोग हमेशा लड़कियों को गलत क्यों कहते हैं, चाहे पूरी गलती लड़के की हो, मगर गलत सिर्फ लड़कियों को कहा जाता है। जिंदगी सिर्फ लड़की की बर्बाद होगी और इन सब का फायदा उठाते हैं आप जैसे लड़की। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने ऐसा किया। वरना मैं इतनी लड़कियों के साथ मिला हूँ, मगर मैंने किसी से भी शादी करने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था और इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था, मगर तुमने रिजेक्ट कर दिया था। पर क्या करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अपनी जिद को प्यार का नाम मत दीजिए। आप जैसे लोग कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। आप बस दूसरों की लाइफ बर्बाद करना जानते हैं, उनके लाइफ के साथ खेलना जानते हैं। अच्छा, जब मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब तो आप कहेंगे ही ना, आपको वो करने से पहले ये सोचना चाहिए था। और मैं क्या करूँ, आपने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे प्यार पर अभी यकीन नहीं होगा, मगर एक ना एक दिन तुम यकीन करो और उस दिन का मैं वेट करूंगा। इतना बोलकर आर्यन जाता है और सोफे पर लेट जाता है। ये इसने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतना बोलकर जिन भी जाती है और वो भी बेड पर लेट जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक आर्यन जिन से बात नहीं करता और न ही जिन आर्यन से बात करती है, मगर आर्यन जिन की बहुत केयर करता था। आर्यन जिन की इतनी केयर करता था जिसे धीरे धीरे जिन के दिल में आर्यन के लिए फीलिंग जगने लगती है। एक दिन ये दोनों शॉपिंग करने जा रहे, तभी कुछ गुंडे जिन को घेर लेते हैं। वो जिन के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। आर्यन वहाँ नहीं था, वो अंदर था। वो जैसे ही बाहर आता है और ये सब देखता है, वो उन लोगों को बहुत मारता है। आर्यन जैसे देखता है कि वो लोग जिनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो आता है, सबको इतना मारता है, कितना मारता है कि वो लोग भाग जाते हैं। जिन बहुत ही इनोसेंट है, इसीलिए उसके साथ कोई ऐसा करता है तो वो बहुत ही डर जाती है। और इस वक्त वो बहुत ही डर गई, इसकी वजह से वो आर्यन को हक कर लेती है और आर्यन शॉक हो जाता है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अरे बताओ
बताओ तो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए था तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और मेरे पार्टनर की तबीयत खराब है। क्या जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या है ना, ये कपल डांस है तो मैं अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकती, मुझे किसी की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। क्या कपल डांस और आर्यन के साथ? ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। थैंक यू सो मच आर्यन, अब प्रैक्टिस आज ही से स्टार्ट करना होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन जल्दी आने वाला है। ओके लेट्स स्टार्ट। फिर आर्यन एक मेड को बुलाता है जिस्सू के लिए कॉफी बनाने के लिए, मगर जिस्सू मना कर देती है। आर्यन मैं मेड के हाथ का पीकर क्या करूंगी, मुझे तुम्हारी वाइफ के हाथ का पीना है, मैं भी तो देखूं कैसा कॉफी बनाती है। एंड हाँ जिन, इसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम बना सकती हो क्या? देखो जिस्सू, मैंने मेड से कहा है ना जिन नहीं बना सकती। क्यों नहीं मैं बना सकती हूँ आर्यन, मैं अभी आती हूँ। पर जिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेड है। नहीं आर्यन इसमें कोई बात नहीं है, मैं बना सकती हूँ। और मेड क्यों बनाएगी, आपके फ्रेंड ने मुझे बनाने को कहा है ना, तो मैं बनाऊंगी। और प्लीज आप कुछ कहना नहीं है, मैं बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर जिन कॉफी बनाने के लिए चली आती है और जिस्सू आर्यन से कहती है, आर्यन हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी प्लीज यार। ओके चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर आर्यन और जिस्सू प्रैक्टिस करने लगते हैं, तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। जिन को ये सब देख कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसके हार्ट में पेन होता है, मगर वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूछकर आर्यन से कहती है, आर्यन कॉफी बन गई, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं बस अभी आई। हाँ ये जिन को क्या हो गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस्सू तुम जाओ, बाकी की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। ओके आर्यन बाय। बाय जिस्सू। फिर जिस्सू वहाँ चली आती है। उसके बाद आर्यन रूम में जाता है तो वो देखता है जिन रो रही होती है, वो घबरा जाता है और जिन से पूछता है, जिन क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें फैमिली की याद आ रही क्या? क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ तुम? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? पर क्यों गुस्सा हो? मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए अपनी फ्रेंड जिस्सू के पास। ये क्या बोले जा रही हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो, तुम मुझसे फालतू गुस्सा हो, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? क्या मैं फालतू गुस्सा हूँ? और आपको, आपको उसके साथ इतनी चिपक चिपक के डांस करने की क्या जरूरत? माना कि वो आपकी फ्रेंड है, उसे आपकी हेल्प की जरूरत है और आपको करना भी चाहिए, मगर इतना चिपक चिपक कर इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं थी। आप भूल चुके हैं क्या कि आपकी शादी हो चुकी है, अभी भी आप फ्लर्ट करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। और अगर मैं उसके साथ चिपक चिपक के डांस करता भी हूँ तो इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मुझे नहीं पसंद कि आप किसी और कितनी क्लोज हो। मैं नहीं देख पाती हूँ आपको किसी और के साथ। क्यों भला तुम मुझे किसी और के साथ क्यों नहीं देख सकती, भला प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ तो प्रॉब्लम तो मुझे ही होगी ना। मुझे पता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मगर तुम्हें भी पता है कि एक फोर्स मैरिज थी, तुम इस शादी से खुश नहीं थी, फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही? मैं किसी के साथ डांस करूं, फ्लर्ट करूं या उसके क्लोज जाऊं, इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं। मुझे नहीं पता होता मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। ओ तो तुम मुझसे प्यार करती हो है ना, तो फिर ये दूरी किस बात की? ये अब क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। खैर मुझे पता ही था कि तुम मुझसे प्यार वाल नहीं करती, बस ये तुम्हारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर हो गई। सो प्लीज ये झूठ मूठ का जलस होना बंद करो। इतना बोलकर आर्यन रूम से बाहर जाने ही वाला होता है, लेकिन जिन दौड़ कर आती है और आर्यन को पैक कर लेती है। जैसे साथ है जिन, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस ये तुम्हारी एक गलतफहमी है। जितने पास पास आर्यन, ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। कैसे आपके साथ रहते रहते मेरी नफरत का प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच जिन, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस पल का कितने दिनों से वेट कर रहा हूँ, मैं कितने दिनों से वेट कर रहा हूँ कि तुम खुद आकर कहोगे कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू टू जिन, आई लव यू सो मच। आर्मी
नामजिन की वन शॉट लव स्टोरी। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आर्मी मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं नामजिन की वन शॉट लव स्टोरी लाऊंगी, सो मैं ले आई। अब मैं सिर्फ स्टोरी के पार्ट दूंगी। मैंने प्रॉमिस किया था सो मुझे पूरा करना ही था तो मैंने कर दिया। ओके आर्मी, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।